अरे अरे वाह जी जी जी, अनुभव क्या रहेगा, इतने प्यार से बोला है गिरीश भाई ने, और इसकी फील्डिंग एक साल पहले से शुरू कर दी थी। पिछले बार जब गणेश बब्बा को विदाई दे रहे थे ना, तभी से ये मेरे पास आ गए, हाँ बब्बा अब की बार आएंगे तो आपको आना है, तो फिर बस चले आए 50 साल की बधाई देने। और सबसे पुरानी सोसाइटी यानी ये मुंबई के अंदर सिंधी कॉलोनी, इतनी ज़बरदस्त, विवेकानंद नाम भी महापुरुषों के नाम पर, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी गर्मजोशी के साथ पूरे के पूरे चैनल यहाँ दिखाई दे रहे हैं और सारी महफिल छोड़ के आप यहाँ आए प्यार देने, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब से बात करके बहुत अच्छा लग रहा जी। सर कुछ स्टेज पे शो वगैरह हाँ कुछ करने वाले कुछ नहीं, दो दो लाइन तो बोलना पड़ता है भाई, दो लाइन तो बोलना पड़ेगा। जब आए हैं तो सबको हंसाना भी पड़ेगा और सबको, आपको मालूम है कि मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना अंदाज़ है, लोगों ने इतना प्यार दिए मेरे अंदाज़ को। जब द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो आया था उस टाइम ही मैं पहली ही दो लाइन पढ़ा था, सिद्धू जी पहली बार क्रिकेट छोड़ के जज करने बैठे थे हंसने शेखर सुमन के सामने, तो मैंने सिद्धू जी को दो ही लाइन तुरंत बोल दिया था, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। हाँ वो सिद्धू जी समझ गए कि ये भी प्लेयर है भैया, अपने कविताओं का खिलाड़ी है। फिर वो मुझे देख के पहले कहने लगते थे, एहसान भाई क्या नई कविता आई, तो सिद्धू जी हैं, कहावत हैं, मुहावरे हैं, इतने मारते हैं कि अगले का मुंह सूज जाता है कहावत और मुहावरों से। तो चलिए भैया, बहुत जल्दी शुरू होने वाली है महाआरती और उस आरती में आप सब पहुँचें, 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, बाकी बातें ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच पूरे देश के लिए। ये आप पहले तो मैं एहसान भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, वो आए, उन्होंने हमारी इज्जत रखी, थैंक यू एहसान भाई। और ये हमारा 50th ईयर है गणेश जी का, और यहाँ हम 12th डे पे जब ख़त्म होता है तो बाहर हम लोग लंगर लगाते हैं, 10,000 लोगों को खाना खिलाया जाता है, जिनमें हमारी लेडीज़ खाना बनाती है, कोई केटर नहीं होता है, तो ये कहना चाहूँगा। यस यस, महिला मंडल का विशेष योगदान रहता है, महिला मंडल के बगैर तो चूल्हे में आग नहीं लग सकती है, चूल्हा जला के रोटी बना के। गणपति के बारे में बताइए, काफ़ी प्यारा खूबसूरत गणपति है, प्यारा गणपति हमारा खूबसूरत है, इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक तो बैंड हो चुका है, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर बात करें तो गेस्ट की, जैसे वो नाम लिए राज ठाकरे आने वाले हैं, नारायण उनके सन आने वाले, तो सर कब तक आने वाले, क्या अभी उनसे बात हुई है, उनके PA ने अभी बोला कि वो आएंगे बताएंगे, काफ़ी जगहों पर उनको भी जाना है, हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, होपफुली आधे एक घंटे में आने चाहिए। इको फ्रेंडली एक्चुअली ये साल 50वां साल है, तो ये साल से हमने इको फ्रेंडली स्टार्ट किया है और आगे से भी हम जो है इको फ्रेंडली फॉलो करेंगे, और प्लस हम सभी को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इको फ्रेंडली फॉलो करें, तो क्या है थोड़ा एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, और जैसे आपको मालूम है कि इजीली डिजॉल्व भी हो जाता है पानी में, और मच्छियाँ उसको खा सकती हैं, तो क्या है काफ़ी अच्छा रहता है, समुंदर क्लीन रहेगा, सब कुछ क्लीनलीनेस ड्राइव चालू है अभी आजकल, तो इट्स बेटर इको फ्रेंडली। आई सजेस्ट एवरीवन टू प्लीज डू इको फ्रेंडली एवरी ईयर, इट्स गुड फॉर एवरीवन। ओके, थैंक यू। अरे पीछे आरती है यार, क्या बोल रहे हैं, रुक ना पीछे पीछे। सर सर सर, अरे गिरीश सर, आप असम भाई यहाँ आया, गणपति बप्पा भैया ये सर 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 गिरीश सर दादा सर असम भाई जी पीछे। ओके ठीक है सर, एक सर 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 थोड़ा सा।
खाना खिलाओ बेटा भाई, ये लीजिए सर 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 थोड़ा सा आपको एक करना पड़ेगा प्लीज देखा जाए तो विवेकानंद सोसाइटी गोल्डन 50 जुबली आज ये बना रहे हैं यहाँ पे और इस अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं और गिरीश जी ने जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है और उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पर और बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हाँ 21 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है GPL गेंद पैसा लड़की, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये हमारी और इस फिल्म में हमारी को एक्ट्रेस हैं सेजल शर्मा, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर अतुल पटेल और हम सब लोग यहाँ पर आए आशीर्वाद दे रहे हैं और आप लोगों का भी आह्वान है। हमारे बीच में कास्ट ऑफ द फिल्म पैसा वसूल आ चुकी है। जी हाँ, हमारे बीच में सेजल शर्मा एंड प्रोड्यूसर अतुल जी भी आ चुके हैं एंड हमारे बीच में लाइट प्रोड्यूसर अली जी भी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए, जोरदार तालियां हो जाए। इको फ्रेंडली जो गणेश जी का जो है अभी विवेकानंद सोसाइटी लास्ट 40 ईयर से कर रहे हैं गेम पैसा लड़की की टीम की ओर से आज आए है। जय गणेश, थैंक यू सो मच। आवाज निकालूंगी आपको और पैसा मिलेगी इसके बाद में। आपका कैसे हो आप लोग? ओ माय गॉड, किधर से आ रही थी? विवेकानंद सोसाइटी का 50वां ईयर पे क्या कहना चाहेंगे? सबको आज सबको गणपति जी की सबसे पहले तो बधाइयां और सब खुश रहें, सब मजे से रहें। सोसाइटी में 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है गणपति की स्थापना को, क्या कहना चाहेंगे? भाई आपको गोल्डन जुबली की बहुत 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 शुभकामनाएं एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी कि हम लोग सोसाइटी के इतने अच्छे ओकेजन पे आए एंड आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि यूजुअली हम पंडाल जाते रहते हैं लेकिन मैंने इस पंडाल के बारे में बहुत सुना है तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरीबॉडी। गणेश चतुर्थी जैसे सब लोग करते हैं घर में गणपति जी हैं हमारे, इस बार हम गणपति नहीं ला पाए पर अगले साल मैं लाने का सोच रही हूँ। तो हम पूजा करते हैं, मोदक बनाते हैं और हमारे यहाँ 11 दिन की पूजा रहती है लेकिन बॉम्बे में जैसे लोग 1.5 दिन करते हैं और ये करते हैं 3 दिन रखते हैं, बट हमारे यहाँ 11 दिन की पूजा रहती है तो हम सुबह शाम आरती करते हैं और बहुत अच्छा लगता है बिकॉज विद फैमिली आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द यू नो फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं यही एक वो मौका होता है जिसमें आप अपने परिवार के साथ यू नो मिल के पूजा करते हो, चाहे आप काम कर रहे हो कुछ भी कर, सब छोड़ छाड़ के। सो आई रियली लाइक दिस, स्पेशली बॉम्बे में तो गणपति बहुत धूमधाम से मनाया जाता है सो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई होप आप मेरी मूवी को भी सपोर्ट करें जैसे आप मेरे करियर को सपोर्ट करते हैं, जैसे आप मुझे प्यार देते हैं हमारी मूवी को भी प्यार दे। तो जैसे हमारी मूवी का ट्रैक है भागते रहो,
सब हमारे पास पोस्ट कर रही है। तो बेसिकली जो हमारे फतेह सिंह है वो भागते रहते हैं इस मूवी में, और उनके साथ पूरी मूवी में सब भागते रहते हैं। जो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इसका मूवी का नाम ये भागते रहने का मतलब इसलिए था क्योंकि इस मूवी में सब भाग रहे हैं ट्रस्ट में। और व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस? ट्रेलर देखने के बाद सबको सब वेट कर रहे हैं इस फिल्म के आने का, बिकॉज अक्टूबर में रिलीज हो रही है फिल्म, तो सब वेट कर रहे हैं फिल्म देखने का, और मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ। आखिर में क्या कहना चाहिए? सब साथ में आइए, अपने दोस्तों को लेकर आइए, अपने फैमिली वालों को लेकर आइए, बिकॉज ये फिल्म बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाला है, हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो सब आइए, आई प्रॉमिस यू गाइस, आप लोगों को बहुत मजे आएंगे। ये पूरी मूवी मजेदार, हसमुख, यू नो इसमें इमोशंस है। ये आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ अ मूवी इज इट इज कॉमेडी बट इट हैज इट्स इमोशंस, एंड आई थिंक यू विल एंजॉय द फ्लो ऑफ द कॉमेडीज एंड द इमोशंस इन द मूवी। सो प्लीज डू कम वॉच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सपोर्ट आवर मूवी। भागते रहो, रिलीज इन ऑक्टोबर। थैंक यू सो मच। मैं विदान तुम सबको दिल से मुबारकबाद। ओके थैंक यू सो मच। ओके और एक पुराने एक्टर उनकी आवाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट टू देम कि 50 इयर्स उन्होंने कंप्लीट करे, और मैं उनको यही बोलना चाहूंगी ऑल द बेस्ट। आपके बीच में आया हूँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये गोल्डन जुबली है और गणेश चतुर्थी पे आपने एक मुस्लिम आर्टिस्ट को बुलाकर सम्मान दिया, इससे बड़ी राष्ट्रीय एकता नहीं है। इस राष्ट्रीय एकता को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और दो लाइन गिरीश भाई के लिए मैं पेश करता हूँ। अच्छा, गिरीश भाई जब फोन पे बात कर रहे थे ना, पता ही नहीं लग रहा था कि इनकी उम्र क्या होगी, इनकी हेल्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी, वो पर्सनालिटी होगी कि पर्सनालिटा होगा, ये मैं सोचा नहीं। लेकिन अब ये मैं कैसा सोचा और सर कैसे निकले, चार लाइन सुनाता हूँ। गिरीश भाई तो महान है, गिरीश भाई तो महान है, विवेका सोसाइटी की शान, विवेका सोसाइटी की शान है, और हम तो समझ रहे थे देवानंद होंगे, मगर ये दबंग के सलमान खान। थैंक यू वेरी मच, मेरा पेमेंट पक गया। अच्छा, मैं पेमेंट के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भाई बंदी में आया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुक्रिया। ये दो बहुत अच्छी एंकर है माशाल्लाह, सौंदर्य मेरे से ज्यादा तो आप जानते हैं। वाह, चलो आजा भाई, आपके जितने गेस्ट हैं, मुझे ऐसा लगा कि सारी ऑडियंस इधर होगी मगर चाहने वाले सब उधर हैं, उधर हैं। तो अभी रफीक उतरी गया था, इससे पहले जो बना था ग्रोवर का जो रोल कर रहा था गुथरी का, उसका नाम भी रफीक है। रफीक आया था आपके पास, अब मैं अभी आ रहा हूँ बड़े प्यार से। आप बैठ जाइए ना, आप बैठिए माशाल्लाह। ये तो क्या
Deputy Commissioner of Police from Anti-Terrorist Squad. Ladies and gentlemen, zor applause for the Sadhguru Swamiji, BCP Manager Kulkarni Ji. आगे आइए मैम, क्या कहना चाहेंगे आज 50 का है बीच में? मैडम को खिला दूध की डेरी है अपनी, दूध भी लेकर जाओ। अच्छा ये कल्ताफ राजा थे, अभी भी है? अरे तुम तो बहरे पर दे सब विवेकानंद सोसाइटी लेडी का है लोग दीजिएगा सर।